क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें भी कांस्टेंट पार्ट जो है कांस्टेंट टर्म वो इक्वल टू साइन के इधर दिया हुआ है, तो इसको हम उठा के इधर ले आएंगे पहले। तो 2x plus y minus 35 equal to 0 और 3x plus 4y minus 65 equal to 0, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट लेफ्ट साइड में होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हम अगर समझ में आए तो। ये हो गया x, y और ये हो गया 1। x यहां पे क्या आ जाएगा, 1 और 4 आ गया जो y का कोएफिशिएंट है, 1 और 4 इधर आ गया, यहां पे क्या आएगा माइनस 35 और माइनस 65 हो गया, यहां पे 2/3 और ये हो गया 1/1 और 4 इधर हो गया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली यहां यहां भी हो जाएगा। तो x के नीचे क्या आ जाएगा, 1 × −65 − 65, बीच में माइनस का साइन, और 4 × −35 तो 70 = 140, ये हो गया −140। फिर y अपॉन −35 × 3 − 105, बीच में माइनस का साइन, और −65 × 2 − 130 इक्वल टू 1/2 × 4 = 8 − 3 × 1 = 3। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो x अपॉन −65 + 140 = y अपॉन −105 + 130, और =1/8 − 3 = 5 हो गया। फिर x के नीचे आएगा −65 + 140, तो कितना हो जाएगा 35 और 40 75 + 75 = y अपॉन इधर में कितना आ जाएगा −25 और ये हो गया x 1/5। फिर x by 75 equal to 1/5 and y upon −25 = 1/5। यहां से क्या हो जाएगा x equal to 75/5, 75 को हम यहाँ ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो कट के आ गया, x का वैल्यू हो गया 15 और इधर हो जाएगा y इक्वल टू −25, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा 130 बढ़ा नहीं, ये प्लस हो गया तो प्लस हो जाएगा, तो +25/5, तो y का वैल्यू आ गया 5, तो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 5।